दोस्तों, स्टॉक मार्केट की वीकली एनालिसिस में हम एक नया इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इंडियन एंड ग्लोबल स्टॉक मार्केट की तो एनालिसिस हम 9 पैरामीटर्स पे करते थे, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 10th पैरामीटर और मेटावर्स ईटीएफ को आप कवर किया करेंगे, क्योंकि तो इस डिकेड की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो होने वाले है उसे आपका चैनल इग्नोर कैसे कर सकता है, ताकि दर्शक हमारे अपडेटेड रहे हमेशा कि किस तरह का परफॉर्मेंस ईटीएफ दे रहा है। हम सभी जानते हैं कि इंडियन रेसिडेंट जो हैं वो आरबीआई के एलआरएस के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यूएस इक्विटीज में, ईटीएफ में। और इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो मेटावर्स के ऊपर में अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे इंग्लिश चैनल पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि क्या आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज हो सकती है, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या बोल रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी है और कौन कौन सी पॉसिबल इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। तो हमारे इंग्लिश चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे लिंक है उस पे जाइए, उन्हें देखिए, ताकि आप लेटेस्ट चीजों से अपडेटेड रहें। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी इनेबल कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मेटावर्स से रिलेटेड अधिक वीडियो हमारे इंग्लिश चैनल पे ही आया करेंगे। वैसे हिंदी में भी हम बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो मैं वीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। पिछले वीक में दोस्तों, निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई और ये इंडेक्स 1.87% से टूट गया। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी थी, 1.95% से गिरावट दर्ज की गई, लेकिन S&P 500 जो था वो ग्रीन टेरिटरी में क्लोज हुआ, 0.32% की तेजी देखी गई। और नैसडेक में बहुत बड़ी तेजी थी दोस्तों, जो 2.31% से ग्रीन में क्लोज हुआ। यूरोपियन मार्केट में फुटसी यूरो टॉप 100 का जो इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, 0.02% की गिरावट सिर्फ दर्ज की गई। और जो मेटा ईटीएफ है दोस्तों, जिसको हम इंट्रोड्यूस इस वीक से कर रहे हैं, उसमें तेजी देखी गई 2.74% की। अब सिल्वर के बारे में बात करें तो XAG USD में -2.71% मार्केट रहा। ब्रेंट क्रूड ऑयल में भी कमजोरी देखी गई और ये टूट गया 4.28% से। USD INR करेंसी पेयर फ्लैट रहा दोस्तों और सिर्फ 0.02% की गिरावट दर्ज की गई। गोल्ड XAU USD के प्राइस चार्ट को अगर देखें तो उसमें भी गिरावट दर्ज की गई, 1.04% की ये गिरावट थी दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और ये सारे 10 पैरामीटर्स की एनालिसिस करके अपने आप को आने वाले वीक के लिए तैयार करते हैं। स्टॉक मार्केट की वीकली एनालिसिस की शुरुआत करते हैं S&P 500 के प्राइस चार्ट से दोस्तों। अब यहां पर हम देखें दोस्तों, तो लास्ट वीक में भी चर्चा की गई थी कि ये अपर फाइबर जो चैनल का है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और एक पॉसिबल रेजिस्टेंस की संभावना प्राइस एक्शन पे दिखाई गई थी 4700 लेवल पे। तो ये इस जगह पे हम देख सकते हैं कि क्लियरली अपसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट नजर आ रहा है। आने वाले सप्ताह में 4700 से 4776 का जो बैंड है वो एक सप्लाई बैंड होगा, क्योंकि प्राइस लिटिल ओवर एक्सटेंडेड है और लोअर फाइबर चैनल का जो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और विद इन दैट चैनल EMA 21 भी इंटरवीन कर रही है। तो सपोर्ट बैंड जो है 4630 से 4650 एक सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना है आने वाले समय में। अब हम रेफर कर रहे हैं NASDAQ 100 इंडेक्स को दोस्तों। अब ये राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है काफी दिनों से, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं आपके इस चैनल पे वीकली स्टॉक मार्केट एनालिसिस के दौरान। अब ये अपर फाइबर पे देखिए, कल मार्केट गैप अप ओपन होता है 19 नवंबर को और कहीं ना कहीं एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन होता है जो क्लियर इंडिकेट करता है कि प्राइस इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रही है। प्राइस यहां पर भी काफी ओवर एक्सटेंडेड है, बट ओवरऑल व्यू S&P 500 नैसडेक दोनों में बुलिश है। इसका तात्पर्य यह है कि करेक्शन की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम मीन रिवर्जन बोलते हैं दोस्तों। तो अपसाइड मूव में अब आने वाले वीक में 16,626 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा
और इसके बाद दोस्तों 17,000 का लेवल एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। और ये कहां से निकल रहा है दोस्तों, 17,000 जो लेवल है वो एक्सपांशन लेवल है 100% इस कप एंड हैंडल पैटर्न का, जहां तक इमीडिएट टर्म्स में जाने की संभावना है। अब सपोर्ट की बात कर लें तो 15,700 से 16,000 का जो बैंड है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये प्राइस एक्शन के अनुसार यहां देखिए सपोर्ट है EMA 21 का, यहां पे कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है। और यहां पर देखिए इस पैटर्न का नेकलाइन जो है कप एंड हैंडल पैटर्न का वो 15,700 पर है। एक नजर यूरोपियन मार्केट पे डालते हैं और देखते हैं फुटसी यूरो टॉप 100 का ये चार्ट। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले वीक में एक ब्रॉडनिंग वेज के बारे में चर्चा की गई थी, जहां पे ये लाइन एक सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है और यहां एक पॉसिबल रेजिस्टेंस आने की संभावना थी। और एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हुआ, प्राइस ने यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया और करेक्शन की शुरुआत हो गई। क्योंकि फुटसी में भी अगर हम देखें तो एक प्राइस ओवर एक्सटेंडेड थी, मासिव इंपल्सिव वेव का फॉर्मेशन था, तो एक करेक्शन की शुरुआत होना एक एक्सपेक्टेड था। तो मार्केट कोई आशा के अनुसार ही काम कर रहा है। यहां पर देखिए कंसोलिडेशन बैंड है, जहां प्राइस ने कंसोलिडेट किया था एक इंपल्स के फॉर्मेशन के पहले। तो 3500 से 3525 का जो बैंड है वो एक इमीडिएट सपोर्ट बैंड है। और करीब करीब देखिए इसके लोअर फाइबर पर EMA 21 भी इंटरवीन कर रही है। अब अपसाइड मूव में ऑफ कोर्स ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी। और यहां पर आप देखिए 3606 जिसकी चर्चा लास्ट वीक में भी की गई थी, और ये जो प्राइस लेवल निकाला गया था इस राउंडिंग पैटर्न के आधार पर निकाला गया था, जो 100% एक्सपांशन है, तो यहां पर एक उसे रेजिस्टेंस की संभावना है आने वाले समय में। अब चलिए दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट का आउटलुक लेते हैं। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो हम 3 PM स्टॉक मार्केट जो आपके चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग आती है हर दिन मंडे से थर्सडे, उसमें तो हम कवर करते हैं। लेकिन लास्ट वीक के प्राइस एक्शन के बाद में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर इसका डिसाइसिव ब्रेकडाउन हुआ, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं डिसाइसिव ब्रेकडाउन का, केवल अगर क्लोजिंग बेसिस पे हुआ तो उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं होता है। अब यहां देखिए अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है और डिसाइसिव होता है तो उस समय पे ये लेफ्ट शोल्डर हेड का फॉर्मेशन, राइट शोल्डर, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इन हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, और उस ब्रेकडाउन में प्राइस के और करेक्शन की संभावना है। बट इमीडिएट टर्म्स में अगर हम देखें तो यहां पर देखिए प्राइस ने यहां पर मल्टीपल रिजेक्शन लिया था, फिर यहां पर एक सपोर्ट बना, तो 17,400 से 17,500 का जो बैंड है आने वाले सप्ताह में एक डिमांड जोन के रूप में एक्ट करना चाहिए। और यहां पर देखिए गैप जो क्रिएट हुआ था 4th अक्टूबर को, तो एक टेंडेंसी हो सकती है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होके EMA 55 को भी टेस्ट करे और ये गैप को फिल करके फिर ट्रेंड का रिजम्पशन हो। दोस्तों अपसाइड मूव में अब आने वाले सप्ताह में 18,100 का लेवल देखिए, जहां प्राइस का रिजेक्शन है और यहां पर सपोर्ट था, तो वो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगा। और 18,300 यहां पर देखिए प्राइस का रिजेक्शन है, तो आने वाले सप्ताह में 18,100 से 18,300 का बैंड जो है वो एक सप्लाई बैंड के रूप में रहने की संभावना है। अब हम रेफर कर रहे हैं निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में। देखिए इस राइजिंग बेच का यहां जो ब्रेकआउट हुआ था जिसकी चर्चा 3 PM स्टॉक मार्केट में की गई थी, प्राइस अपर फाइबर पे सपोर्ट लेती हुई फिलहाल नजर आ रही है। ध्यान से देखें तो प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, तो ये दोनों ट्रेंड के बीच का जो पोर्शन है वो इमीडिएट टर्म्स में डिमांड एरिया के रूप में काम करना चाहिए। और यहां पर एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन बैंड है, और यहां पर दोस्तों कंसोलिडेशन बैंड जो है तो ये हम बोल सकते हैं कि डिमांड बैंड के रूप में ब्रॉडली हम देख सकते हैं। तो यहां पर लोअर साइड में अगर हम देखें तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गौर करना कि ये जो कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा है तो एक पॉसिबली ABCD पैटर्न बनने की संभावना भी हो सकती है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो 127.2% एक्सपांशन 37,500 पे आ रहा है, तो अपर बैंड जो है इस डिमांड जोन का आने वाले सप्ताह में 37,500 हो सकता है। और डाउन साइड में अगर हम देखें तो यहां पर देखिए प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था, मल्टीपल सपोर्ट है, तो 36,800 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो 37,200 एक अनदर लेवल है,
यहां देखिए एक गैप है जिस कर्रा जो 4 अक्टूबर को है, तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी के केस में इमीडिएट टर्म्स में अगर हम देखें तो 37,200 से 37,500 एक डिमांड एरिया है, और अगर ये एबीसीडी पैटर्न का एक्सटेंशन फर्दर हुआ तो फिर दोस्तों ये प्राइस इवन 36,450 तक आ सकती है, जहां पर 161.8% एक्सपांशन है। बट फिलहाल इमीडिएट टर्म्स में हमें ब्रॉडली समझना होगा 37,200 से 37,500 का लेवल, और अपसाइड में बात करें दोस्तों यहां देखिए प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है, तो 39,400 से 40,100 का जो बैंड है जहां प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया वो एक सप्लाई बैंड के रूप में एक्ट करेगा। अब हम रेफर कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर को। दोस्तों जो चर्चा लास्ट वीक में की गई थी कि 73.8 से 74 का जो बैंड है वो एक डिमांड बैंड के रूप में हम देख सकते हैं, और आप देखिए उसी जगह पे प्राइस में आता हुआ जो करेक्शन था वो थमा और 19 नवंबर को एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ। तो अब दोस्तों अपसाइड मूव में इमीडिएट टर्म्स में देखें तो 74.55 एक रेजिस्टेंस है जहां मल्टीपल रिजेक्शन है, और ये काउंटर ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी, और इसका ब्रेकआउट अगर हो गया तो नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस 74.5 के पास में होगा यूएसडी आईएनआर में। अब दोस्तों इस वीक से जैसा मैंने बोला कि हम मेटावर्स ईटीएफ के बारे में चर्चा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने स्टॉक मार्केट के वीकली एनालिसिस में, उसका रीजन सिंपली है कि इस डिकेड की एक मेजर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो होने वाला है जो एक मासिव अपॉर्चुनिटी के रूप में हम देख सकते हैं, और आरबीआई के एलआरएस पॉलिसी के तहत इंडियन चाहे तो ईटीएफ में या यूएस यूटीटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहां देखिए दोस्तों एक मासिव अपसाइड मूव का इंपल्सिव वेव की तैयारी है और हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन ये कर रहा है। यह है राउंडहिल बॉल मेटावर्स ईटीएफ जिसका आप चार्ट देख रहे हैं, जिसका कोड है सिंबल जो है वो सिर्फ मेटा के नाम से है। अब यहां पर देखें दोस्तों ये वर्टिकल डॉटेड लाइन 28 अक्टूबर 2021 को जब फेसबुक ने अपने रीब्रांडिंग की और फेसबुक से मेटा प्लेटफॉर्म्स के नाम से उन्होंने अनाउंसमेंट किया, उसके बाद से मेटावर्स पे काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हुई। हमने अलग से वीडियो उस पर बनाया है, हमारे इंग्लिश चैनल पे भी दो दो वीडियो आए हैं, तो इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसे देखिए, और हिंदी में भी हम जल्दी ही उसका वीडियो लेके आने वाले हैं कि किस तरह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में। अब यहां पर देखिए दोस्तों 100% एक्सपांशन के बाद में यहां पर एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, तो प्राइस ओवर एक्सटेंडेड है, करेक्शन की संभावना हम देख सकते हैं, बट इसे $16 पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहां पर देखिए, और जब ये करेक्शन के बाद ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो अगला पॉसिबल मूव इसका $17.4 के आसपास में हम इसका मूव देखेंगे। अब ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस चार्ट को देख लेते हैं दोस्तों, तो ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस के पिवट्स को ज्वाइन करके जो लाइन थी वहीं से प्राइस का रिजेक्शन हुआ, और अगर ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब 76.5 एक अच्छा सपोर्ट बनता है, जहां पे इस राउंडिंग पैटर्न का नेकलाइन भी इंटरवीन कर रहा है। इमीडिएट टर्म्स में देखें तो अब $83 पे भी मल्टीपल रिजेक्शन है, और ईएमए 21 अपने आप में एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित करेगी, तो 83 से लेकर 85 एक इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस होगा, और उसके बाद $87 का एक रेजिस्टेंस हम देखेंगे ब्रेंट क्रूड ऑयल में। कर रहे हैं गोल्ड स्पॉट इंटरनेशनल मार्केट में अगेंस्ट यूएस डॉलर, XAU यूएसडी का प्राइस चार्ट है। इस मासिव ब्रेकआउट के बारे में चर्चा की गई थी, यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल बेस है, डबल बॉटम का भी यहाँ ब्रेकआउट हुआ, तो अब $1,832 इमीडिएट टर्म्स में एक सपोर्ट है, और ईएमए की वैल्यू देखें ईएमए 21 की तो आती है $1,825 पे, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस है मूविंग एवरेजेस का, और यहाँ पर प्राइस का रिजेक्शन है, तो 1800 से $1,832 डिमांड जोन है, और अपसाइड में अगर बात करें दोस्तों तो पैटर्न देखने के बाद में उसका टारगेट ही निकल के आ रहा है $1,901 जहां तक जाने की संभावना है, और फिर प्राइस जब ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगी तो करेक्शन होगा, क्योंकि 1900 से $1,912 के बीच में मासिव यहां पर एक रेजिस्टेंस है प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार।
अब हम रेफर कर रहे हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट को, XAG USD के प्राइस चार्ट को। ये देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद में ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का यहाँ ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद हम थ्रोबैक देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो प्राइस का यहाँ रेजिस्टेंस था तो $24.5 इसका अच्छा सपोर्ट है और करीब करीब वहां पर EMA 21 भी इंटरवीन कर रही है और $24 का जो लेवल है वहां पर देखिए EMA 55 है। तो हम बोल सकते हैं 24 से $24.5 का एक इमीडिएट डिमांड बैंड है सिल्वर में और अपसाइड मूव में प्राइस का यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ पर सपोर्ट था तो $25.6 एक इमीडिएट टर्म्स में इसे रेजिस्टेंस मिलेगा और इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद में $27 अगला लेवल है, टू बी वेरी प्रिसाइज 27.08 का लेवल जो इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट आता है और उसे वो अचीव करने की कोशिश करेगा। स्टॉक मार्केट का वीकली एनालिसिस का ये वीडियो पसंद आया है और आपने लाइक किया है कि हमने मेटावर्स का ETF जो इंट्रोड्यूस किया है वो एक वैल्यू एडिशन होगा वीकली स्टॉक मार्केट एनालिसिस में, ताकि जो लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक ट्रैक रख पाएंगे वीक टू वीक बेसिस पर। तो दोस्तों इसे शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। हमारे सारे सोशल मीडिया का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।